नमस्कार दोस्तों, अपना आपका YouTube चैनल गुरु वाला स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रिंकू कुमार गौतम, यानी आज मैं आपको वीडियो लेकर के आया हूँ कि भारत की जल सीमा, ठीक है, भारत के आसपास यानी तीन तरफ समुद्र है। भारत के यानी दक्षिण पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। तो भारत के कितनी दूर तक समुद्र में कोई भी आ जा नहीं सकता, तो मैं आज आपको ये बात बताऊंगा, ठीक है ना। भारत की जो सीमा है उसको तीन भागों में बांटा गया है। नंबर एक यानी प्रादेशिक जल सीमा, जो प्रादेश यानी प्रदेश के जो जल सीमा होती है ये होती है 12 किलोमीटर। यहाँ से ए भाग में बांटा गया, यहाँ से यहाँ तक 12 किलोमीटर की इस सीमा को हम कहते हैं प्रादेशिक जल सीमा, इसमें प्रदेश के कार्य होते हैं। और देखिए उसके बाद में दूसरा क्षेत्र है वो संलग्न क्षेत्र, यानी इस क्षेत्र में जो है संलग्न यानी प्रदेश की भी और यानी जो भारत का है उसके भी दोनों मिलकर के कार्य करते हैं, यानी ये जो है यहाँ से 24 किलोमीटर पड़ती है। फिर उसके बाद में ये आता है अन्य क्षेत्र, तो ये जो है यहाँ से जो है भारत की जो मुख्य भूमि है वहाँ से 200 किलोमीटर दूर तक माना जाता है। ये क्षेत्र भारत की मुख्य भूमि से जो नापते हैं हम तो 200 किलोमीटर तक नापा जाता है, लेकिन यहाँ से नापेंगे यानी जो ये है संलग्न क्षेत्र से ये 176 किलोमीटर यानी दूर तक नापा जाता है। तो इसे बोलते हैं हम आर्थिक यानी अनियन आर्थिक क्षेत्र। अगर भारत के यानी 200 किलोमीटर तक पानी में अगर कोई जाएगा, समुद्र में कोई यात्रा करेगा, विदेशी पानी का जहाज अगर कोई यात्रा करता है तो भारत को यानी उसकी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी और यानी यहाँ पर भी आयात शुल्क वगैरह जो भी है वो लगाना होता है। भारत उस पर यानी भारत की मर्जी है कि यहाँ कर जाने दे जहाज को या नहीं जाने दे, क्योंकि अगर उसको यानी कुछ पूंजी देता है या आयात देता है, शुल्क देता है कुछ आने जाने का, तो इस पे यहाँ को जाने देगा, अगर नहीं देता है तो नहीं जाने देगा। तो इस वजह से भारत की जो आंतरिक जो वो है यानी भारत के अंदर की जो सीमा है 200 किलोमीटर तक पानी में मापी जाएगी, जो उसमें अरब सागर में हो, बेशक बंगाल की खाड़ी में हो या हिंद महासागर में हो, तो 200 किलोमीटर तक ये मापी जाएगी। और उसके बाद में ये होता है कि जैसे समुद्र मील जो होता है वो यानी जो हमारा धरातलीय मील जो होता है उससे बड़ा होता है, यानी जैसे मान लीजिए धरातल का जो मील होता है एक मील इक्वल टू धरातल का मील ये होता है 1609 मीटर होता है, लेकिन जो पानी का जल मील होता है ये होता है एक मील इक्वल टू लगभग कितना 1800 यानी 52 मीटर। तो इसमें जो है डिफरेंस है कुछ, तो ये जो है ये बताया गया है इतना मील, जल मील जो है वो बड़ा होता है, धरातल मील जो वो छोटा होता है। तो दोस्तों ये आपको मैंने भारत की जल सीमाएं बताई कि जल सीमा का क्या महत्व होता है। तो इसमें आर्थिक क्षेत्र में जो आर्थिक क्षेत्र है इसमें कोई भी यानी भारत की अनुमति के बगैर आ जा नहीं सकता। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू, धन्यवाद।